होती हैं, लेकिन ये कहीं और बिता के आ जाती है। खाली करी नहीं लगती है इसकी। नहीं, अभी नहीं। जैसे प्यारे प्यारे लग रहे हैं, देखो तो। देखा अपनी तारीफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन में। तो दोस्तों आज आए हैं हमारे घर पे मेहमान, और मेहमान गए हैं एग्जाम देने, और वहीं से वो जाएंगे मार्केट। तो उनकी फरमाइश में मैंने बनाया है ये झोली और चावल, और बच्चे भी बाहर गए हुए हैं, और जब तक मेहमान आते हैं शॉपिंग वगैरह करके, तब तक मैं आपको ले चलती हूँ मंदिर में। मंदिर में बनती है आज खिचड़ी, तो चलिए आपको ले चलते हैं मंदिर में। आओ खिचड़ी खाने आ जाओ, आओ आओ। खिचड़ी बनाई किसने? सबने मिलके बनाई है। अच्छा, हमारे भी बचाना भाई। ये है हमारे मेहमान, इतनी देर में आ रहे हैं, हमने खा लिया है। हाँ, लेके आओ फिर, बहुत शॉपिंग करके आए हो यार तुम। हाँ, ये मेरी देवरानी है और ये उनकी फ्रेंड है, एग्जाम देने गए थे और साथ में शॉपिंग भी करके ला रहे हैं ये, और हल्द्वानी से सब्जी खरीद के ले जा रहे हैं। अभी मैं अब खाना लगा देती हूँ उनके लिए। ये मेहमान इतनी सारी मिठाई लेके आए हैं, मेहमानों की मिठाई से मेहमानों मुंह उठा के रहते हैं। कितने बार बोलते हैं मिठाई मत लेके आया करो, फिर भी मिठाई लेके आ जाते हैं, और एक डब्बा मायके के लिए जरूर लेके आते हैं। जब भी कोई भी मेरे ससुराल से आते हैं तो एक डब्बा मायके के लिए जरूर लेके आते हैं, तो इन्हीं के लिए मिठाई से मैं इन लोगों को मिठाई लाती हूँ। लो भाई, हाँ ये लो मिठाई। थैंक यू। ये लो, तुम लोग भी खा रहे हो? हैं निको? हाँ ले, फिर ले। ये लोग घूम घाम के आ गए हैं और अब रजाई के अंदर आराम फरमा रहे हैं। अब मेरी बारी, ये ले लेती थोड़ी सी। खाना भी खा लिया है और मुंह भी मीठा कर लिया है, तो अब हम थोड़ा गपशप मारेंगे थोड़ी देर, और उसके बाद आराम करके फिर हम जाएंगे नर्सरी, और आपको ले चलेंगे नर्सरी, वहाँ से इनको कुछ पौधे लाने हैं, फूलों के कुछ पौधे लेके आने हैं। तो तब तक आप बने रहें हमारे वीडियो में, जब तक हम गपशप मारते हैं तब तक। अभी हम जा रहे हैं नर्सरी, बच्चे हमारे आगे आगे चले गए हैं, और हम जा रहे हैं पीछे पीछे आराम से खा पी के आराम करके, और आराम से ही जा रहे हैं। ये पिथौरागढ़ से आए हैं, तो ये पिथौरागढ़ फूल ले जाने के लिए इन
को मैं नर्सरी ले जा रही हूँ। इनकी लड़की को बहुत शौक है फूलों का। अब हम मेन रोड में आ गए हैं तो निक्कू को यानी कि इनकी बेटी को बहुत शौक है फूलों का और साथ में मुझे भी बहुत शौक है फूलों का, तो मुझे पसंद आएंगे तो मैं भी खरीदूंगी और निक्कू भी खरीदेगी, वो आगे चले गई है। तो उनको ब्लॉग में आने का कोई शौक नहीं है इसलिए वो आगे आगे चले गए हैं। ना फोटो खिंचाने का शौक है ना ब्लॉग में आने का शौक है, तो हमें सब चीज़ का शौक है तो इसलिए हम सब चीज़ करते हैं, ब्लॉग भी बनाते हैं, रील भी बनाते हैं, फ़ोटो भी खींचते हैं, सेल्फी भी खींचते हैं और ये चुपचाप चल रही हैं। तो हाँ, तो नर्सरी हमारे घर से थोड़ा ही दूर है तो हमारी घुमाई भी हो जाएगी और पौधे वगैरह जो हमें लेने हैं वो भी हम ले लेंगे। तो चल रहे हैं हम धीरे धीरे करके, बने रहिए हमारे वीडियो में नर्सरी पहुँचने तक। ये हर साल आते हैं यहाँ और नर्सरी हम इसी साल जा रहे हैं, कहीं हमारा घूमना नहीं होता है क्योंकि ये जब भी आते हैं एक ही दिन में सारा काम करना चाहते हैं और बिल्कुल रुकना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हम इनके संग ना घूम पाते हैं और ना कहीं जा पाते हैं और रुकते भी नहीं हैं ये ज़्यादा। तो ये सोचते हैं एक ही दिन में हमारा सारा काम हो जाए और हम इनका बस चले तो ये आ जाए तो आज ही चले जाएँ। तो ये कल ये जाने वाले हैं तो आज हम थोड़ा सा मौका हमें मिला है घूमने का, ये सो रहे थे हम इनको खेच लाए हैं है ना कुछ बोला तो मैं बच्चों ने भी जिद करी कि चलो चलो करके, तो इसलिए आए हैं, नहीं तो ये नींद निकालने वाले थे। घूमना फिरना हमारा हो नहीं पाता है तो कभी कभी हमें मौका मिलता है जाने का, तो बच्चे हमारे उधर सवाल लगा रहे हैं कह रहे उधर वाली नर्सरी में चलते हैं, ऐसा ही है फिर आते हैं जाते हैं, बस आज थोड़ा मौका मिला है तो इसलिए हम इनको ले चले हैं नर्सरी। और कहीं घुमाना घुमाना तो कुछ होता नहीं है, ये छुट्टी लेके आते नहीं है तो इसलिए कहीं घूमने जाना नहीं होता है। तो छुट्टियाँ कम होती हैं, छुट्टियाँ होती हैं लेकिन ये कहीं और बिता के आ जाती है, खाली गहरी छुट्टियाँ नहीं होती, एक महीने की छुट्टियाँ इनको पड़ती हैं और हमारे यहाँ सिर्फ ये एक दिन की छुट्टी लेके आते हैं और बहाने मारने के लिए साथ में इनको भी लेके आए। इनका स्कूल खुल गया है तो इनके बहाने से ये भी जल्दी जाना चाहते हैं। जिस नर्सरी में हमें जाना था वो नर्सरी वहाँ से हट गई है तो अब हम वापस जा रहे हैं दूसरी नर्सरी में, तो यहीं भी पास में एक नर्सरी है तो वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे पौधे हैं कि नहीं है। ये है हट गार्डन, ये है नर्सरी, हट गार्डन के पास ही है ये। गमले में भी हो जाता होगा ये, सुंदर लग रहा है। इन पौधों के नाम क्या है, नाम क्या है इनका? इनका नाम है वो क्राइम बोस। ये सब खुले वाले हैं, लगती है नहीं लगती है इसकी? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं लगेगी। लवी को ये वाला फूल अच्छा लग रहा है तो ये वाला ले लेती हूँ मैं, ये दो पसंद किए हैं हमने, इसको ले जाएंगे, नाम नहीं पता है पर आया कुछ पसंद हैं? हैं? ये वाला आया है पसंद। ये थक गए हैं पौधे देखते देखते, आराम फरमा रहे कुर्सी में हैं? अच्छा लग रहा है, फूल वाले लगा दी ना कुछ, 100 पीस भी तो अच्छे रहते हैं हरे भरे। हम घर जाके दिखाएंगे फूल, मुझे दिखाओ ना। हाँ नर्सरी घूम के आए, इतना थक गए हैं बहुत ज्यादा। अभी हम आ चुके हैं पौधों की खरीदारी करके और जिसने खरीदने थे उसने तो दो ही खरीदे और मैं चार पांच खरीद के लाई हूँ, पसंद तो नहीं आया और ये कह रहे हैं मैं तुम्हारे उसमें से ही काम चला लूंगी तोड़ करके तो अब हम चल पड़े घर को और ये साथ में बच्चे हमारे पीछे से।
भूल के जैसे हम तो प्यारे प्यारे लग रहे हैं। देखो तो देखा अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं, प्यारे प्यारे हो यार, वाकई में बहुत प्यारे प्यारे हैं। और अब शाम होने को है और फटाफट हमको घर जाके खाना भी बनाना है, तो अब हम चलते हैं तेज 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 तेज, तो मिलते हैं घर पे, फिर से किचन में मिलेंगे खाना बनाते हुए। क्यों बाय। अभी मैं पहुंच गई हूँ किचन में और चाय बन रही है, लवी चाय बना रही है हमारे लिए, तो जब तक चाय बनती है मैं दिया जला लेती हूँ। और अरे तुम यहाँ के बैठ गए हैं, यहाँ के बैठ गए, चाय बन रही, आ जाओ। सभी लगा लिए क्या फूल? नहीं नहीं, मैं पहले दिया जलाती हूँ, अभी नहीं लाया। और अभी हम पी रहे हैं चाय। ये चाय का समय हमारा यही होता है, हम 4-5 बजे चाय नहीं पीते हैं, हम हमेशा 6 बजे के बाद हम चाय पीते हैं, जिससे हमारा खाना बनाने की तैयारी होती है उस समय हम चाय पीते हैं। तो चलिए पी लेते हैं चाय, बने रहे हमारे वीडियो में। डिनर है हमारा तैयार, तो आज मैंने बनाया है पनीर काजू डाल के, और सब रेडी है खाने के लिए। अच्छा, इनको 5 ही रोटी खानी है, ये कह रही मैं ज्यादा नहीं खाती, सिर्फ 5 ही रोटी खाती हूँ। खाओ यार, शर्माओ मत। सबने खाना शुरू कर दिया है तो अब मैं भी खा लेती हूँ खाना। तो दोस्तों ये मेरी प्लेट है, तो मैं नीचे बैठूंगी, मैंने हीटर चला रखा है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना, गुड नाइट, बाय।